मध्य प्रदेश के बड़वा स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रविवार को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को युवा दिवस के रूप में मनाते हुए विकासखंड स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार सहित प्राणायाम का आयोजन किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य तौर पर अनेक अतिथि मौके पर मौजूद रहे हैं, जिसमें विधायक प्रतिनिधि संजय गुप्ता सहित राणा राजेंद्र सह, अखिलेश व्यास, अनिल कानूनगो, वीआरसी, डीएस पवार, यतीन्द्र जोशी, कैलाश खांडेकर, केआर वर्मा और अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे हैं। विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित सूर्य नमस्कार के इस कार्यक्रम में सभी बच्चों और उनका जो संदेश है कि सभी बच्चे हाथ ऊपर करो जरा, मानवता वाणी को स्वस्थ रखें। और साथ उन्होंने एक जिनेवा सम्मेलन में कहा था, जो देश में जो सांप्रदायिक ताकते हैं जो उससे देश पिछड़ता है, पीछे ऊपर हाथ करो तुम, हम उन सांप्रदायिक से लड़ते हैं इस देश में। उनका सिर्फ एक ही देश है कि ये देश आगे बढ़े, विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में आज हम सभी ने मनाया। मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार और रेडियो प्रसारण के द्वारा सबसे पहले 3 चक्रों में सूर्य नमस्कार किया गया, उसके बाद में अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम किए गए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक व्यायाम है, जो हमें ऊपर करो ऊपर। इसमें हमने हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेशों का और विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेशों का सख्त पालन किया है। इस प्रकार से आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस का कार्यक्रम, विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम, उसको पहले बनाने का संपन्न। 12 जनवरी 2020 विकासखंड स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को युवा दिवस के रूप में मनाया जाने बाबत उत्कृष्ट विद्यालय के इस प्रांगण में सभी एकत्र हुए। किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ शरीर योग प्राणायाम के द्वारा ही संभव है। अधिकतर बीमारियों का इलाज, उनकी चिकित्सा योग से होती है, प्राणायाम से होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें, प्रातः काल जल्दी उठें, योग करें।